हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो चलिए कल के पांच स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा HDFC लाइफ, इसमें देखेंगे तो इस पॉइंट से कई बार रिजेक्शन ले चुका है और उसी पॉइंट के आसपास आके आज इसने क्लोजिंग करी है। तो हम इसमें बाइंग की पोजिशन बना सकते हैं और मिनिमम जो SL रहेगा हमारा इस पॉइंट का रहेगा 564 का, और 568 के ऊपर अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करेगा तो हम इसमें 580 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और सेकंड है हमारा सन फार्मा। सन फार्मा में देखेंगे तो ये देखिए, ये एक पॉइंट है जहाँ से ये कई बार ब्रेक डाउन करने की कोशिश तो कर रहा है इसको, बट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जा रहा है और ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है। तो ये नीचे के इस लेवल को ब्रेक कर सकता है और एक ही केस में हम इसमें पोजिशन बनाएंगे अगर ये इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलता है और इस पॉइंट के नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करेगा तब। और फर्स्ट टारगेट हमारा 18 का रहेगा, सेकंड 812 का। अगर इस पॉइंट के नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करेगा तो हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और याद रखना, एक ही केस में बनाएंगे अगर ये गैप डाउन खुलेगा। अगर गैप अप खुल गया तब ये हमारा जो ट्रेड है सक्सेसफुल नहीं रहेगा, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। और थर्ड है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें देखेंगे तो ये एक्चुअली ऑल टाइम हाई के आसपास है और एक इस पर ट्रेंड लाइन जारी है और आज इसने एक बाइंग का मोमेंटम दिखाया है। मॉर्निंग में निगेटिव था बट धीरे धीरे बाइंग में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करेगा तो हम 4 to 5 रुपीज़ का SL लगा के इसमें एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2 पर रहेगा। और फोर्थ है हमारा ग्रासिम। इसमें देखेंगे तो इस पॉइंट, ये पॉइंट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से देखिए एक शार्प सेलिंग आई थी और ये इस पॉइंट से कई बार रिजेक्शन ले चुका है और उसी पॉइंट के आसपास आके आज इसने क्लोजिंग करी है, तो हम इसमें एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और किस पॉइंट के ऊपर बनाएंगे वो दिखा देता हूँ। 1350 के ऊपर अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करेगा तभी बनाएंगे, और एक ही केस में अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके इसको ब्रेक करता है। और हमारा जो SL रहेगा 1342 का रहेगा 8 पॉइंट का, और मिनिमम 1:2 हम इसमें बुक कर सकते हैं। और फिफ्थ है हमारा रिलायंस। रिलायंस मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसका रीजन ये है, आज एक इसमें शार्प सेलिंग आई है और ये उस पॉइंट के आसपास आके रुका है जहाँ से एक इसने बाउंस दिया था। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये W बना देगा इस केस में ऐसा और यहाँ से ये निकल जाएगा, और या फिर इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देगा। तो हम इसमें सेलिंग की पोजिशन बनाएंगे, हम चाहते हैं कि ये डायरेक्टली ब्रेक हो जाए, और ब्रेक तभी होगा एक ही केस में अगर ये इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलता है। 13 ये पॉइंट है 2395, और इसके नीचे 5 मिनट सस्टेन कर जाता है तब हम इसमें एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। और जो हमारा SL रहेगा 2406 का रहेगा, और अगर वो SL हिट कर देता है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसमें फिर फर्दर ट्रेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि शार्प सेलिंग आई है और बाइंग का मोमेंटम भी आ सकता है इसमें ट्रैप करने के लिए और फिर दोबारा फॉल हो सकता है ये। तो हम कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना चाहते हैं, ना कि इसमें ट्रैप होने के बाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।